देखिए सर, जो अपडेट इस बार हुआ है ये हो गया आपका ए लीवर है, जो रियल बार आप डाउन होता है ना, वो पहले स्विच ऐसा वाला एक स्विच था एडजस्ट लीवर पे, अभी ये इसमें से रियल अप डाउन होगा। ये हो गया आपका अनलोडर पाइप अप एंड डाउन हो गया, ये लेफ्ट एंड राइट हो गया, वो डिजिटल किया हुआ है, ये कटर अप डाउन और मशीन लेफ्ट राइट होने का पूरा अपडेट वर्सन है सर ये वाला। और ये देखिए जो अलार्म हॉर्न है ये इस बार मोटा वाला दिया हुआ है, एक्सीलेटर काफ़ी चेंजेस किया हुआ है, इस बार लुक अच्छा वाला दिया हुआ है, लेवर वगैरह एक तो मैनुअल है, इसमें जो स्विच वगैरह था उसका भी ये पार्ट रिंग का मैनुअल किया हुआ है। और एक चीज़ अच्छा है इसमें से मीटर में मशीन पे कितना डीजल वगैरह है, इसमें मोबाइल बैटरी जैसा दिख जाएगा आपको कि कितना डीजल वगैरह है इसमें मशीन पे, ये अच्छा वाला सिस्टम है, इसमें आएगा कितना है डीजल वगैरह पूरा आपको आएगा। ये देखिए एयर क्लीनर की भी अपडेट किया हुआ है, ये नया वाला एयर क्लीनर है, ऑपरेटर फैन भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप इस बार। ये देखिए पार्किंग, इस बार पार्किंग ब्रेक भी लगा हुआ है, ऐड किया है इसमें, आप पार्किंग ब्रेक भी कर सकते हैं ये वाला। जो ऑपरेटर फैन है इसको तो हवा कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें से लिमिटर लगा हुआ है ये देखिए। और देखिए डिस्ट्रीब्यूटर भी चेंज किया हुआ है, जो लेट बाइक का दिक्कत हो रहा था, ऑयल वगैरह जो पाइप से निकल रहा था, इसके लिए अभी आपको पर्सन का डिस्ट्रीब्यूटर किया हुआ है। ये ड्राइविंग पॉकेट देख सकते हैं, अभी इस बार एक ही में होगा ड्राइविंग पॉकेट, और चीज़ का तो हाई क्वालिटी है, इसमें क्या बताऊँ आपको। ये देखिए डबल विंग्स का लगा हुआ है, चैचेस वगैरह सब कुछ, टेंशन वगैरह सब देखते हैं, दे सकते हो डबल विंग्स का। देखिए गियर बॉक्स का लुक है, ये वो वाला जो दिख रहा है, ये पार्किंग ब्रेक और क्लच का काम करेंगे दोनों पर। HST भी देख सकते हैं, अभी इस बार मोटिवेशन किया हुआ है, अच्छा वाला HST है। जो बेल्ट का दिक्कत आ रहा था, बार बार टूट रहा था, इसमें 5HP का बेल्ट दिया है इस बार, HST बेल्ट भी 5HP का है और थ्रेसिंग बेल्ट भी 5HP का है, आप देख सकते हैं। जो सी बॉक्स का प्रॉब्लम आ रहा था पैडी क्लीन करने के लिए, इसमें से थोड़ा मोटिवेशन किया हुआ है, पहले ये वाला था स्ट्रिप, इसमें से पैडी क्लीन अच्छे से नहीं हो रहा था, इस बार पीछे से भी अलग से जाली लगा दिया, जो पैडी क्लीन का दिक्कत हो रहा था वो अभी नहीं है, पूरा सी बॉक्स मोटिवेशन किया हुआ है। ये देखिए डीजल टैंक जो पहले 110 लीटर का आ रहा था, अभी 170 लीटर का कर दिया, इसमें से ये कवर भी ऐड किया है, पहले ये कवर नहीं था, ये कवर भी ऐड किया है, मोटर भी अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है। अब ये वाला मोटर मशीन का लुक देख सकते हैं। और एक बात जो पता हुई बात है, इसमें से पहले ये वाला जो चीज है, पहले इसमें लोहे का आता था, 200 टूट रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था,